हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वो गैंगजी सीरीज का 41st पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि टियान जियू को घायल कर देता है और वु गैंग भी टियान की ताकत का सामना नहीं कर पाता और पकड़ा जाता है। यही हम शेनयन को देखते हैं, जो टाई और लियो को लेकर पैलेस के अंदर जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो मन ही मन कुछ प्लान कर रहा है। उसे लगता है कि ये लोग टियान को सिर्फ तंग कर सकते हैं, लेकिन उसे हराना इनके बस की बात नहीं है। तभी टाई उसे बताता है कि आपका दिया हुआ काम हो गया है, और ये सुनकर शेनयन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। फिर हम ओलेन की बॉडी को देखते हैं और शेनयन कहता है कि जल्द ही टियान को एक गिफ्ट मिलने वाला है। इधर वु गैंग के शरीर से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिससे टियान के साथ साथ बाकी लोग भी हक्के बक्के रह जाते हैं। टियान को भी अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि आखिर एक इंसान ऐसी शक्ति कैसे पा सकता है, और वो सोचता है कि कहीं मसीहा वाली बात सच ना हो जाए। यहाँ हम उसका एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ शिन्यू उसे बताती है कि शेंग राज्य पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन अभी भी उस मसीहा का कुछ पता नहीं चला। तब टियान उसे ये सब बंद करने को कहता है और बताता है कि मैं पिछले लाखों सालों से जिंदा हूँ और कोई इंसान या देवता मुझे नहीं मार सकता। फिर सही वक्त आने पर वो मसीहा खुद ही मेरे सामने आ जाएगा और तब मैं उसे मसल डालूंगा। ये सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि शायद आज वो दिन आ गया है जब मैं उस भविष्यवाणी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। फिर वो लीजिंग की बॉडी से उस ब्लड स्पेयर को निकालता है और वु गैंग से कहता है कि किस्मत तुम्हें अपनी मौत के पास ले आई है। वु गैंग उस स्पेयर को अपनी ओर बढ़ते हुए देखता है, जिसके पीछे कुछ प्राचीन मॉन्स्टर्स की ताकत है, और ये देखकर उसका आर्मर भी डर से कांपने लगता है। वो उस अटैक को रोकने के लिए अपनी की एनर्जी का यूज करता है, लेकिन स्पेयर के सामने कुछ नहीं टिक पाता और वु गैंग इस हमले से दूर जा गिरता है। टियान उसे एक बार फिर खड़ा होने को कहता है ताकि वो उसे उसके अंजाम तक पहुंचा सके, लेकिन देखता है कि वु गैंग ने तो जैसे हार ही मान ली है। फिर वो अपने स्पेयर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीच में बाई आ जाती है। टियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे पहले कि वो अपना वार कर पाए, सिवांग अपनी चेन से उसका हाथ पकड़ लेता है और इसका फायदा उठाकर बाई वु गैंग को टेलीपोर्ट कर लेती है। टियान को ये देखकर सिवांग पर बहुत गुस्सा आता है और तभी दूसरे जनरल्स भी उस पर अटैक कर देते हैं। मुकी अपनी सप्रेसिंग नीडल्स का यूज करता है, जो टियान को चारों ओर से घेर लेती हैं, लेकिन वो एक ही झटके में उन्हें चकनाचूर कर देता है। तब मुकी अपनी बची हुई पावर से घायलों को ठीक करने में लग जाता है और बाई भी वु गैंग को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। तभी हम जनरल डेली को वहाँ आते हुए देखते हैं, जो कीवू से जिंग के बारे में पूछती है। कीवू उसे बताती है कि वो अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और हमें उसकी तलवार को इसके अगले मालिक तक पहुँचाना होगा। ये सुनकर डेली को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो जिंग के आखिरी वक्त में उसके साथ रहना चाहती थी, और उसे रोता देखकर बाकी लोगों की भी आंखें भर आती हैं। तब कीवू उन्हें बताती है कि ये वक्त शोक मनाने का बिल्कुल नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए हम जिंग के सपने को पूरा करके ही रहेंगे। उधर टियान उन लोगों को एक साथ आने को बोलता है और ये सुनकर सिवांग और बाकी जनरल उस पर अटैक करने जाते हैं। तभी अचानक वु गैंग जाग जाता है और बाई को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो यून और क्यू को भी अपने साथ आने को बोलता है और उसकी ऐसी बातें सुनकर वहाँ सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब वु गैंग उन्हें बताता है कि टियान एक मॉन्स्टर की तरह है और हम इस वक्त उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो डार्क वन से भी पीछे हटने को कहता है ताकि एक नई स्ट्रेटर्जी के साथ वो दोबारा अटैक कर सके। जुहांग उसकी बात मानने से मना कर देता है और कहता है कि डार्क वन से इंसानों जैसे मतलब ही बिल्कुल नहीं है और जंग छोड़कर नहीं जाएंगे। वो गैंग उसे बैटलफील्ड की ओर देखने को कहता है और बताता है कि अपनी जान बचाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है और उन्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन जुहांग उसकी एक नहीं सुनता और अपने लोगों के साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है। वु गैंग अपने बाकी साथियों के साथ बाहर निकलने लगता है और रास्ते में आने वाले सोल्जर्स को भी समझाता है कि उन्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो सोल्जर्स उसे गद्दार बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे फर्ज से हमें सिर्फ मौत ही दूर कर सकती है। उधर टियान डार्क वंस के जनरल्स को बहुत मारता है, लेकिन वु गैंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाई को भी ना चाहते हुए उसकी ये बात माननी पड़ती है। जनरल्स भी टियान को रोकने के लिए अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हैं, लेकिन वो भी इतिहास की सबसे पावरफुल गोट को नहीं रोक पाती और वो सब चित हो जाते हैं। फिर टियान सिवांग को मारने के लिए अपने स्पेयर का यूज करता है, लेकिन हैनली एंड टाइम पर आकर उसे बचा लेता है।
बाई वो गैंग से एक बार फिर सोचने को कहती है, लेकिन वो बताता है कि अब बात हमारे हाथ से निकल चुकी है और हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। तभी उनसे मिलने कीवू वहाँ आती है और बताती है कि जिंग अपना सोल वेपन तुम्हें देना चाहता था, जो इस ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल तलवार है। वो गैंग को ये कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो तो तलवार चलाना जानता भी नहीं है, लेकिन कीवू कहती है कि मैं तो बस उसकी आखिरी विश पूरी कर रही थी, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम डेली को देखते हैं, जो टियान से जिंग का बदला लेना चाहती है और अपनी वुल्फ पावर एक्टिवेट करके बाकी जनरल्स का साथ देने जाती है। वो गैंग इसे उन सब की बेवकूफी समझता है, लेकिन बाई बताती है कि डार्क वंस को अपनी मौत से ज्यादा अपनी इज्जत की परवाह है और वो इसमें कोई दाग नहीं लगने देंगे। ये सुनकर वो गैंग को अपने बचपन के दिन याद आते हैं कि कैसे उसके पिता का भी यही सोचना था, लेकिन वो गैंग उनके इस फैसले के बिल्कुल खिलाफ था। और तब उसकी माँ ने उसे समझाया कि टाइम आने पर तुम इस सैक्रिफाइस का मतलब जरूर समझ जाओगे। वो गैंग को जिंग और टीजू का भी ध्यान आता है, लेकिन उसे फिर भी लगता है कि वापस जाने का उसका डिसीजन एकदम सही है। तभी अचानक जिंग की तलवार में कुछ हलचल होने लगती है और वो देखता है कि उसमें से एक एनर्जी निकलकर उसके शरीर में जा रही है। जल्दी ही वो बेजान होकर नीचे गिर पड़ता है और क्यू सबको बताती है कि इसके दिल की धड़कन रुक चुकी है। वो समझ जाते हैं कि इस तलवार में जरूर कुछ सीक्रेट छुपा हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ जान पाए वो तलवार टूटकर बिखर जाती है। आगे हम वू गैंग को देखते हैं, जिसकी आँख सीधा अंडरवर्ल्ड में खुलती है और वो खुद को नरक के दरवाजे के सामने पाता है। दरवाजे के पीछे उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और एक आवाज उसे बताती है कि ये मॉन्स्टर असल में एक प्राचीन देवता है। वो गैंग देखता है कि ये तो जिंग की आवाज है और वो भागकर उसे मिलने जाता है। वहाँ जिंग उसे बताता है कि इस देवता का नाम शिंग टियान है और इसने हेवन के खिलाफ लड़ाई में हमारी मदद की थी। टियान ने नाराज होकर इसका सिर कटवा दिया, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और बिना सिर के ही अपनी लड़ाई लड़ता रहा। उसके बाद हेवन ने इसे यहाँ अंडरवर्ल्ड में कैद कर दिया और तब से ये इसके दरवाजे की निगरानी कर रहा है। फिर जिंग उसे अपनी तलवार के बारे में बताता है, जिसमें उसकी सोल पावर बसी हुई थी और इसी की मदद से वो वू गैंग से आखिरी बार मिल रहा है। तब वू गैंग उसे अपने वापस जाने के बारे में बताता है, लेकिन जिंग कहता है कि तुम्हें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा और किस्मत तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं देने वाली। वो बताता है कि हमने हजारों सालों से इसका इंतजार किया है और ये पहली बार है जब डार्क वंस और इंसान एक साथ लड़ रहे हैं, इसीलिए अब तुम्हें पीछे हटने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो गैंग बताता है कि ये लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है, जिस पर जिंग उसे अपने पुराने दिनों को याद करने को कहता है कि कैसे उसने माइन में हजारों लोगों की जान बचाई थी और अब भी लाखों लोगों की उम्मीद उसी से जुड़ी हुई है। ये सुनकर वो गैंग का मन बदल जाता है और तब जिंग उसे बताता है कि मेरे पास टियान को हराने का एक बेहतरीन तरीका है। आगे वो उसे बाई जैसे फ्लाइंग बूट्स देता है और कहता है कि अब तुम्हारे वापस जाने का टाइम आ गया है। फिर वो उसे अलविदा बोलकर वापस अंडरवर्ल्ड में चला जाता है और वो गैंग को भी लगता है कि उसे इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए था। वापस जाते हुए वो खुद से प्रॉमिस करता है कि मैं इन सब का विश्वास नहीं टूटने दूंगा और टियान को उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। इधर जर्नल्स के लाख कोशिश करने पर भी वो टियान का बाल भी बाका नहीं कर पाते और बच्चों की तरह उनके अटैक्स फेल होने लगते हैं। डेली किसी तरह उसे अपने दांतों से घायल कर देती है और इससे गुस्सा होकर वो उसे अपने ड्रैगन से पकड़ लेता है। तभी उनकी मदद करने शिंग शिंग और कैंडाओ वहाँ आते हैं, जिन्हें अब तक जैन ने कैद किया हुआ था, और शिंग शिंग टियान पर अपने गाइडेड एरो का यूज करती है, लेकिन टियान उन्हें रोककर उसका अटैक रिवर्स कर देता है और इससे शिंग शिंग घायल हो जाती है। आगे हम बाई और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो वू गैंग के जाने से बहुत दुखी हैं, और तभी अचानक उसकी जान वापस आ जाती है। वो उन्हें जिंग के साथ हुई अपनी मीटिंग के बारे में बताता है और कहता है कि अब इस लड़ाई को खत्म करने का टाइम आ गया है। उधर टियान एक बार फिर अपने ब्लड स्पेयर की पावर यूज करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई तबाही मचा पाए वो लोग वू गैंग को वहाँ आते हुए देखते हैं। वो टियान के अटैक को अपने पावर ग्लव से ब्लॉक करता है और अपनी सोल एनर्जी से उसे पीछे धकेल देता है। डार्क वंस भी समझ जाते हैं कि ये जिंग की सोल पावर है और टियान भी उसकी बड़ी हुई ताकत देखकर परेशान हो जाता है। वू गैंग को जिंग की बताई एक और बात याद आती है कि उनका क्लैन सोल पावर को शेयर कर सकता है, जैसे चीयू ने अपनी पावर जिंग को दी और जिंग ने अपनी पावर वू गैंग को, और इससे उनके लड़ने की एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर वू गैंग टियान को लड़ने का चैलेंज देता है और कहता है कि इस वक्त मेरे अंदर जिंग की सोल पावर है और ये तुमसे अपना बदला लेना चाहती है।
डार्क वंस के जनरल भी ये जानकर हैरान रह जाते हैं और वो गैंग कीवू से पूछता है कि क्या ये सोल पावर सभी डार्क वंस में है। तभी अचानक ट्यान उस पर अटैक कर देता है और उसे एक मेज से क्रश करने की कोशिश करता है। वो गैंग किसी तरह मोनोक्रोम शील्ड से उसे रोक लेता है और डार्क वंस को ट्यान को रोकने के अपने प्लान के बारे में बताता है। वो सभी को अपनी सोल पावर उसके अंदर ट्रांसफर करने को बोलता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।